बंदे को परवाह नहीं है, अपने सीने को उनके सीने के सामने रखकर he does not care about his life, क्योंकि इस बंदे ने अपनी जिंदगी पाकिस्तान के नाम कर चुका है। अब्रार उल हक वो नाम है, अब्रार उल हक वो नाम है जिसने सिर्फ बातें नहीं की हैं मगर अपने काम से लोगों की दुआएं और लोगों की का प्यार, लोगों के दिलों में वो एहसास। I honestly say he is the son of Pakistan, the pride of Pakistan, the living legend, Abrar ul Haq. Pakistanis out of Pakistan, I feel like I wish I had a big pocket and I put all of you in it and take you back home. Itna mera dil chahta hai. But let's make some enabling environment first in Pakistan, which we are trying to do. Kaise hain aap log? Mera dhyan hai ghadi ke upar. और मैं तेज तेज इसलिए बोल रहा हूँ कि परफॉर्मेंस का टाइम और फंड रेजिंग का टाइम बहुत छोटा रह गया। सर रेहान भाई, विद योर परमिशन, एक तो सबसे पहले मैं इस बंदे की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। इसके लिए जितना भी अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। ये अपने कल्चर को प्रमोट कर रहा है, पाकिस्तान को प्रमोट कर रहा है, चैरिटी को प्रमोट कर रहा है, इंसानियत के लिए सपोर्ट कर रहा है। और मैं फरहान को भी बहुत अप्रिशिएट करूंगा जिन्होंने अभी $50,000 का वो खरीदा और वो पैसे सहारा में जाएंगे। सहारा उस वक्त बना था, मुझे याद है मैं HSN कॉलेज में पढ़ाता था ज्योग्राफी एंड आई हैव अ फ्यू स्टूडेंट्स हियर। आप लोग प्लीज़ अपने बाल काले कर लो। और CSS की तैयारी कर रहा था, जब भी लिखने पढ़ने बैठता था कोई ना कोई गाना लिख के उठता था। सो बिल्लो दे घर बन गया मुझसे। और हवाओं में उड़ रहा था, अपनी मर्जी की गाड़ी खरीद ली, जहाज खरीदने वाला था। बात चल रही थी कि 4 फरवरी 1996 आई लॉस्ट माई मदर एंड देट वॉज अ टाइम मुझे लगा अब लाइफ नहीं है। So for a very long time I was in the state of depression. और फिर अब ये सोचा था कि खुशी तो जैसे अब नहीं है तो अपने गम को कम कैसे किया जाए। तो ये सोचा कि जो पैसे जहाज के लिए रखे उनका हॉस्पिटल बनाना शुरू करूंगा। हम उधर जाएंगे। ओके, मुझे किसी ने एक मैसेज भेजा, देयर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्क। There is a Japanese concept of work which says that if someone can do it, then I should.